अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिमेंबर की शॉर्टकट कीज के ऊपर। तो मैंने न्यू डॉक्यूमेंट लिया है HTML। अब यहाँ पर जो हमारे पास पहली चीज़ है वो है सबसे पहली हेडिंग। हेडिंग के लिए जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो करते हैं H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ठीक है, तो वो पूरा लिखना पड़ता है। मैं यहाँ पर बैठ के इस तरह से लिखते हैं, तो हम इस तरह से लिख रहे होते हैं H1। उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+1। अगर Ctrl+1 दबाया H1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है हेडिंग 2 के लिए H2 लगानी है तो Ctrl+2 और Ctrl+3 से H3 आ जाएगा। Ctrl+4 से H4 आ गया, Ctrl+5 से H5, Ctrl+6 से H6 आ गया। इसी तरह से जो है हमारे पास होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ आता है Ctrl+Shift+P के जरिए। ठीक, जब हमने Ctrl+Shift+P दबाया तो मेरे पास पैराग्राफ का टैग ऑटोमेटिकली आ गया लिखा हुआ। इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया एक लाइन लिख दी छोटी सी कलर टेस्टिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास लिखी भी आ गई पैराग्राफ के टैग के अंदर। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर एक यहाँ से डिजाइनिंग प्रीव्यू से इधर इसके अंदर से सोर्स कोड में से डिजाइनिंग प्रीव्यू में जाना है या डिजाइनिंग प्रीव्यू से सोर्स कोड में आना है, तो उसके लिए जो है शॉर्टकट की यूज होती है Ctrl और ये टैल्डा का बटन जो होता है, टैल्डा जिसे हम कहते हैं, ये टैब के ऊपर होता है, कॉमा कह लें या टैल्डा कह लें, ये वो है जो मद का निशान होता है। Ctrl के साथ हम इसको दबाएंगे। तो मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ कोड के अंदर इस वक्त, और अब मैं ये दबाता हूँ तो ये यहाँ आ गया है इस तरफ, दबाया तो ये आ गया इस तरफ। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। जैसे कि हम टैक्स लिख रहे होते हैं, मैंने कुछ भी लिखा गार्बेज टैक्स। ठीक है, और अभी इन दोनों को मुझे यहाँ लाइन ब्रेक करनी है, BR यूज़ करना है। तो BR के लिए मैं या तो मैन्युअली बैठ के BR लिखूँ, तो BR लिखने के बजाय जब शॉर्टकट की आज बात होगी तो शॉर्टकट की के अंदर होता है इंटर, उससे BR खुद ब खुद लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी शॉर्टकट कीज काम कर रही होती है। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक लाइन नंबर पर जाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये लाइन नंबर होती है, जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास एरर कोड्स आते हैं या एरर आ रहा है कोई भी, तो वो हमको लाइन नंबर स्पेसिफिकली बताता है कि इस लाइन नंबर पे एरर आ रहा है, तो आप वहाँ चले जाएँ। लोकेटेड लोकेशन बता देता है मुझे कि ये लाइन नंबर है, इस लाइन नंबर पे एरर आ रहा है। तो उस पे जाने के लिए हमको उस डायरेक्ट लाइन नंबर पे जाने के लिए के मैं कैसे जाऊँगा, तो वो होता है Ctrl+G। Ctrl+G दबाया तो वो पूछ रहा है गो टू लाइन नंबर, जैसे कि मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ H1 पे, मैं तो मैंने लिख दिया लाइन नंबर 9 और ओके करेंगे तो ये फॉन्ट लाइन नंबर 9 पे ले गया मेरा कर्सर। ठीक है, इसी तरह से Ctrl+G दबा के मुझे लाइन नंबर 18 पे जाना है, तो मैंने यहाँ पर लाइन नंबर 18 लिखा और एंटर किया तो लाइन नंबर 18 पे ले आया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। जब हम आगे डेवलपमेंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मेरी पूरी वेब सीरीज आने वाली है उसके ऊपर, वेब डेवलपमेंट डिजाइनिंग के ऊपर, तो जब वेब डेवलपमेंट की सीरीज चलेगी तो उसके अंदर हम यूज़ करेंगे आगे वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस के अंदर भी हम एडवांस लेवल पढ़ेंगे। तो उसमें हम जब यूज़ कर रहे होंगे तो हमको बहुत सारी जगहों पर ऐसा होगा कि हमको 3-4 हज़ार लाइनों का कोड होगा हमारा, तो उसके अंदर से हम मूवमेंट कर रहे होंगे। तो अब मुझे 1000 लाइन के बाद जाना है या 2000 लाइन के बाद जाना है, तो मैं डायरेक्ट लाइन नंबर डाल के जा सकता हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी आसानी हमको मिल जाती है। ठीक, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि हम डिज़ाइनिंग यूज़ करेंगे आगे एडवांस लेवल पढ़ेंगे, तो जो अभी कुछ स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं उनके अंदर क्या है कि हम अभी स्टाइलिंग के ऊपर हैं और स्टाइलिंग हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं स्टाइलिंग पे। तो स्टाइलिंग के अंदर हमारे पास एक कोड लिखा होता है। अब मैं कहता हूँ कि जी हमारे क्लाइंट ने रिक्वायर्ड की थी ऑरेंज कलर, अब उसने अपनी कलर थीम चेंज कर दी, ग्रीन कर दिया ऑरेंज से, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। अब फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की जो है वो है और Ctrl+F।
जब मैंने कंट्रोल एफ किया तो वो कह रहा है कि क्या फाइंड करें, जैसे कि लेट सपोज मैंने लिख दिया कि जी हेलो फाइंड करें और यहाँ पर रिप्लेस कर दे हाय से। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दी है यहाँ जो भी है एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, हम जब काम कर रहे होंगे तो हम अपने हिसाब से उसको यूज करेंगे। मैंने एक बात बोली स्टाइलिंग की, तो हम यहाँ कलर कोड भी दे सकते हैं कि जी ये ग्रीन कलर का कोड ये ढूंढे और नीचे रिप्लेस कर दे ऑरेंज कलर के नए कोड से, तो ये फाइनल रिप्लेस ये काम करेगा। मैंने कहा रिप्लेस ऑल, अब इसको जहाँ जहाँ हेलो मिलेगा वो रिप्लेस कर दिया। उसको हेलो यहाँ मिला तो उसने रिप्लेस कर दिए हाय, और नीचे मुझे एक स्टेटस बार उसने दिखा दिए जहाँ मेरा माउस नज़र आ रहा होगा कि इस पैराग्राफ के अंदर उसने जाके चेंज किया है, मॉडिफाई किया है और कहाँ किया है, करंट डॉक्यूमेंट। करंट डॉक्यूमेंट का मतलब जो मेरा भी ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। ठीक है, तो ये आज था फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस के बाद जो है न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सिंपल सा वही है कि आपका कंट्रोल एन यूज़ होता है। अगर मुझे टेबल बनाना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, बजाय मैं कोड लिखूँ या उसके अंदर जाऊँ इंसर्ट में और इंसर्ट में से जाके लूँ, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्टर और टी। तो जैसे ही कंट्रोल ऑल्टर टी दबाता हूँ तो मेरे पास ये पॉपअप मेन्यू खुल जाता है। इस पॉपअप मेन्यू के अंदर पूछा कि कितने रॉ होगी, कितने कॉलम होंगे, उसकी विड्थ कैसी होगी, परसेंटेज में होगी, इसका बॉर्डर क्या होगा, कितना बॉर्डर आना चाहिए, कितना थिकनेस है उसकी, और साथ में सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग उसने मुझसे मालूम कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसको ओके किया तो यहाँ पर मेरा टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है, ये पूरा कोड लेके आ गया। बट यहाँ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टेंडर दबाऊँगा तो ये यहाँ पर आ गया है फॉन्ट मूव होके और ये नज़र भी आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम इसके अंदर। अभी मैं यहाँ पर कोई भी चीज लिखता हूँ, मैं यहाँ पर मैं जो है फाइंड एंड रिप्लेस कर रहा हूँ एक और चीज बताने के लिए। जैसे कि मैंने इसको कहा कि फाइंड करो, अब यहाँ पर हाय फाइंड करो और हेलो लिख दो। अभी मैंने फाइंड एंड रिप्लेस करा दिया और इसने रिप्लेस कर दिया। मैंने इसको दोबारा से फाइंड एंड रिप्लेस कराना कि हाय फाइंड करो और हेलो रिप्लेस कर दो, तो मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया तो वो उसने रिप्लेस कर दिया। अब नीचे एक रिफ्रेश का बटन आ गया, यहाँ एक रिफ्रेश का बटन आ गया, तो हम जब भी काम कर रहे होते हैं तो वो रिफ्रेश के लिए पूछ रहा होता है हमसे बार बार, तो इसको रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल और डाउन एरो की। सही, तो जैसे ही हम कंट्रोल और डाउन दबाएंगे तो हमारा ये रिफ्रेश कर देगा। सही, आगे बढ़ जाते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने इसको हेलो टेक्स्टिंग लिखा है, तो यहाँ मुझे अगर इसे बोल्ड करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करा और कंट्रोल वी दबाया तो इसने मुझे बोल्ड करके दे दिया टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो बोल्ड के लिए यूज होता है। अब मैं यहाँ बैठ के इतना लंबा लिखता स्ट्रॉन्ग और उसकी ओपनिंग बनाता फिर क्लोजिंग बनाता, तो मैंने सिंपल वर्ड सेलेक्ट करा और इसकी मैंने वो जो है कंट्रोल वी दबाया तो उसने मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग खुद जनरेट करके दे दी और लिख के दे दिया। मैंने दोबारा से इस हेलो को सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट करने के बाद अब मैं कर रहा हूँ इटैलिक, तो इटैलिक की शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। ये वैसे ही है कंट्रोल बी कंट्रोल आई जैसे कि हमारे पास उसके अंदर होती है एमएस वर्ड में। ठीक है, जो एमएस वर्ड पढ़ते हैं आप एमएस वर्ड मुझसे पढ़ रहे हैं उनको पता है। एमएस वर्ड के ऊपर भी मजीद आगे वीडियोज और आएंगी, अभी उसका पूरा कोर्स बनाना लाजमी रहेगा, वो भी कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है आपको ब्राउजर प्रीव्यू देखना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है F12। अगर मैंने F12 दबाया तो पहले तो पूछेगा कि सेव करें और सेव करने के बाद वो मेरा ब्राउजर खोल देगा कि ये आपका ब्राउजर प्रीव्यू कैसा है। मैंने इसको HTML1 का नाम देके सेव कर दिया, अब ये मेरा ब्राउजर खोलने चला गया, कर्सर मेरा मुस्तकिल स्क्रीन पर है और इसने ब्राउजर ओपन कर दिया, तो ये F12 से आपका ब्राउजर खुल जाएगा। और इसी तरह से मेरे पास
जो सेकेंडरी एक और ब्राउजर होता है कि हम जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो मल्टीपल ब्राउजर्स के ऊपर हमको डेवलपमेंट करके चेकिंग करनी होती है। तो सेकेंड ब्राउजर खोलने के लिए हमारे पास होता है कंट्रोल F12, तो उससे सेकेंड ब्राउजर एक और खुल जाएगा। वो हमारी मर्जी है हम कौन सा रखना चाहते हैं कि जी एक हमने मेन रख दिया गूगल क्रोम, दूसरा रख दिया हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर, या तीसरा हमने रख दिया कोई और सा सफारी या जो हमको चाहिए हो के फायरफॉक्स वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सेकेंडरी ब्राउजर भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जिसके मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ किसके अंदर हूँ, TD के अंदर। तो ये क्या है, TR के अंदर मौजूद है। अगर मुझे कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी देनी है कि जो TR के ऊपर देनी है, पूरी ड्रॉ जो है, टेबल ड्रॉ जो है वो उसके ऊपर कोई कलर अप्लाई करना है या कुछ करना है, मैं डायरेक्ट उसके ऊपर जाना चाहता हूँ कि ये किसके अंदर है, यानी कि ये जो टैग है ये चाइल्ड टैग है, मैं इसके पेरेंट टैग पे जाना चाहता हूँ। तो पेरेंट टैग पे जाने के लिए ये कंट्रोल के साथ मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो दबाया, तो उसने मुझे पेरेंट टैग दे दिया, यानी कि TR सेट कर दिया कि जी ये TR यहाँ से यहाँ तक है। तो हम इस तरह से उसके किसी भी टैग के पेरेंट टैग पे जाने के लिए कंट्रोल और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें। तो ये TR आ गया, और अगर मैं TR पे खड़ा हूँ फिर मैंने दबाया तो वो और आगे फर्दर ले जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बात कर लेते हैं। कंट्रोल ई दबाने से क्या होता है, हमारे पास एक और चीज आ जाती है, वो ये बड़ी जबरदस्त काम की चीज है। कंट्रोल ई दबाने से आएगा ये बड़े काम की चीज है। ये काम की किस तरह से है कि यहाँ पर एक मेरे पास टैग चूज आ गया। ठीक है, टैग की चॉइस आ गई है कि आपको कौन सा टैग चूज करना है। यहाँ पर मैंने करा HTML टैग। HTML टैग के अंदर वो पूछ रहा है कि कौन सा टैग आपको चाहिए। अगर कोई ऐसा टैग है जो आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं आ रहा है, जैसे कि आपने हेडर लिखना भूल गए हैं उसकी, या स्पेलिंग भूल गए हैं, आप लिख रहे हैं तो कुछ और आ रहा है, या HTML लिख रहे हैं मेटा है, तो यहाँ पर वो आपको टैग्स दिखा रहे हैं। सही है कि ये टैग्स होते हैं। और साथ में अगर मैं किसी भी उस पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने HTML पे किया या इस पर किया, और यहाँ पर टैग इंफॉर्मेशन भी आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया तो ये बता देगा कि ये टैग इस्तेमाल किस लिए होता है, इसका पूरा इसने यूजेज और उसकी नॉलेज आपको दे दी है। ठीक है, एक पूरी प्रॉपर कंप्लीट गाइडलाइन है। इसी तरह से लिस्ट, लिस्ट में मैंने क्लिक किया तो वो बता रहा है कि लिस्ट कौन कौन से टाइप से, कौन कौन से टैग में बनती है, जैसे कि UL है, UL कैसे काम करेगी, OL है, OL कैसे काम करेगी, LI मीन्स क्या है और वो कैसे काम करेगी, तो ये उसकी कंप्लीट डिटेल नीचे इसके अंदर दी गई है। तो यहाँ से हम अपने एग्जांपल के साथ यूज़ कर सकते हैं कि इन्होंने एग्जांपल दिए कैसे LI यूज़ होगी, UL कैसे यूज़ होगी। तो इस तरह से हम अपना कम्प्लीटली कोई भी कोड पढ़ना चाहें तो यहाँ पर हम जा सकते हैं और जाके काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि छुपी भी होती है, इतना आसानी से ज़्यादा यूज होता है। वो कौन सा टैग है, वो है इमेज का टैग। कंट्रोल अल्टर आई मैंने दबाया तो वो इमेज सर्च पूछा कि इमेज कहाँ से लेके आनी है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ मैंने डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस रखी हुई हैं, मैंने कोई भी इमेज ले ली और मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया, ओके किया, तो ये मेरे पास इमेज शो हो गई है और इमेज इसने लगा दी है। सही है, और ये इसी तरह से है, ये पूरा पूरा उसने इमेज जो है पूरा कोड लेके आ गया, विड्थ भी हाइट भी, कि उसकी इमेज की विड्थ क्या चल रही है, उसकी हाइट क्या चल रही है, और उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रही है इमेज। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना इस शॉर्टकट की के ज़रिए कंट्रोल ऑल्ट आई के ज़रिए हम अपना इमेज सोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने इमेज के अंदर पूरे पैरामीटर्स नहीं दिए, जैसे कि ऑल्ट टैग वगैरह लगता है। सही, तो मैं अभी यहाँ पर इसको आगे एक और चीज़ चेक करा रहा हूँ, वो है फाइल वैलिडेशन। ठीक है, कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो W3C के वैलिडेशन के हिसाब से कम्प्लीटली चल रहा है नहीं चल रहा, तो वो फाइल के अंदर जाएंगे हम, फाइल के अंदर है वैलिडेशन, और वैलिडेशन के अंदर है वैलिडेशन करंट डॉक्यूमेंट, मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये जो है इसने मुझे बता दिया कि यहाँ पर मेरी वैलिडेशन जो है, मेरे फाइल जो है उसका जो है लिखने का उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है, लाइन नंबर कौन सा है, उसने लाइन नंबर बता दिया 84। तो इस तरह से पता चल जाता है हमको कि कौन सी लाइन पे क्या एरर है। ठीक है,
लाइन नंबर 84 पे कह रहा है कि मसला है, लाइन नंबर 84 पे क्या लिखा हुआ है, इमेज, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसमें ऑल टैग लगाया, तो वो भी यही बता रहा है कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए इसको, ऑल के नॉट स्पेसिफाइड, कि इसको ऑल टैग नहीं मिला इसके अंदर, ये लाइन नंबर 84 पे जो भी चीज़ आपने यूज़ की है तो इसके अंदर इसको कंप्लीट कोड बनाएं, ठीक है। और ये W3 जो है वो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं वेबसाइट बनाने के, वेब डेवलपमेंट के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ये उनको फॉलो कर रहा होता है और उनको देख के पूछ रहा होता है। तो आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आप लोगों को समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ड्रीमवीवर की शॉर्टकट कीज़ के अंदर। अल्लाह हाफिज़।